फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की डेट्स जो है पास आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली में हर कोई अपने अपने डिमांड मनवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहा है। कहीं बस मार्शल जो है अपनी पक्की नौकरी के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो कहीं पर DTC के कंडक्टर और उसके ड्राइवर भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी पक्की नौकरी के लिए या फिर तनख्वाह बढ़ाने के लिए। इसी तरह दिल्ली के किसान भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी मांगें मनवाने के लिए। हर कोई दिल्ली सरकार और विपक्ष को धमकी दे रहा है कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ वोट दिया जाएगा। तो ऐसा लगभग सभी राज्यों में चलता है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ इस टाइप के मांग जो है उठती रहती है और सरकार को धमकियां मिलती रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली के किसानों की या फिर दिल्ली के गांव वालों की, जो कि पिछले कई सालों से अपनी मांग मनवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग गवर्नमेंट अनसुना कर दे रही है। कुछ मांगों को गवर्नमेंट ने माना भी है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। गाँव वालों की प्रमुख मांगे हैं कि मास्टर प्लान 2041 को तुरंत नोटिफाई किया जाए, दूसरा लाल डोरे का विस्तार किया जाए, तीसरा गांव में MCD का दखल बंद किया जाए, MCD का जो हाउस टैक्स कलेक्शन हो के नोटिस आ रहे हैं गांव में वह बंद किए जाए, चौथा बिजली के मीटर लगाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, इस टाइप की डिमांड भी गांव वालों की है। इसके अलावा गांव वालों की डिमांड यह भी है कि उनकी पुश्तैनी जमीन का मालिकाना हक उनको दिया जाए, वो भी बिना स्टैम्प ड्यूटी पे किए हुए। इसके अलावा धारा 81 और 33 को ख़त्म करने की डिमांड भी गाँव वालों की है। इसके अलावा भी अन्य कुछ डिमांड्स भी गाँव वालों की है, जो कि वह सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के गाँव वालों या फिर दिल्ली के किसानों ने अपने इन डिमांड्स को मनवाने के लिए कई बार महापंचायत की, उसके बाद LG से भी मिले, उसके बाद अभी 6 अक्टूबर 2024 को पालमखाप 360 के जो प्रधान हैं चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, उनके नेतृत्व में गाँव वालों ने धरना भी दिया ताकि उनकी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार उनकी बातों पे ध्यान दे। दिल्ली के किसान जंतर मंतर पर धरना दे ही रहे थे कि दिल्ली पुलिस उनको वहां से जबरदस्ती उठा के लेके चली गई मंदिर मार्ग थाने में। अपना हक गांव एकता, ये दीवाने कहां चले, ये दीवाने कहां चले, ये दीवाने कहां चले। मंदिर मार्ग थाने में भी किसानों ने यही बात दोहराई कि जब तक उनकी डिमांड्स को माना नहीं जाएगा उनका यह आंदोलन चलता रहेगा। आप सब के इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ चुका है और आप सबकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। आप सब ने देखा शांतिपूर्ण तरीके से हम सुबह से जंतर मंतर पर बैठे थे और उसके बाद सरकार के दबाव में पुलिस हमें अरेस्ट करती है और मंदिर मार्ग थाने में लाती है। और जैसे ही मैंने आप सबको संदेश दिया कि सब साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और तकरीबन बहुत सारे साथियों के फोन आए और रास्ते में है, लेकिन उसी दबाव में पुलिस ने तुरंत आनन फानन में हमें यहाँ से छोड़ने का फैसला लिया। ये आप सबकी जीत है, ये आप सबके संगठन की जीत है, ये दिल्ली के 360 गांव की जीत है, ये दिल्ली के 36 बिरादरी की जीत है। इसी एकता के साथ, इसी मजबूती के साथ बना के रखे और ये जो आज जिस तरीके का व्यवहार हुआ है सरकारों के इशारे पे, ये ध्यान से कान खोल के सुन ले सरकारें और कान खोल के सुन ले नेता,
आज हमारा अपमान यहाँ पर जंतर मंतर पर सरकार के इशारे पे हुआ है। कल को यही नेता जब चुनाव के समय वोट मांगने आएंगे तो दिल्ली बिहार के 360 गांव के लोग, 36 बिरादरी के लोग इस बात का हिसाब किताब करेंगे। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ, ये आखिरी चेतावनी है सरकारों को, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी नवनियुक्त बनी है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो और चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल हो और चाहे शहरी विकास मंत्री हो, हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत करे। वरना मैं आज फिर कहता हूँ, ये सब लोग हाथ उठा के इस बात की ताहिर करेंगे कि हम आने वाले विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और साफ साफ कह देना चाहता हूँ, दिल्ली देहात के लोग, दिल्ली के 360 गांव के लोग बहुत लुटते और पीटते आए हैं, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति, किसी एक सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने हक अधिकार की है। हमें अपने हक अधिकार चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सरकार हो, जो हमारी बात सुनेगी, जो हमारा काम करेगी उसका स्वागत करेंगे और जो नहीं करेगी उसका विरोध भी डट के करेंगे। तो इसलिए साथियों, आगे की पालम खाप 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने यहां तक धमकी दे दी कि यदि उनकी डिमांड को माना नहीं जाएगा, गांव वालों की डिमांड्स को नहीं माना जाता, तो सभी गांव मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली के गांव वालों की मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए अब पालम खाप 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी गाँव देहात बचाओ यात्रा कर रहे हैं। वह दिल्ली के अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं और गाँव देहात से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और उनको सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को सरकार सुने और उसका समाधान सरकार दे। इसी क्रम में कल वे मंगोलपुर कला गांव गए, इसके अलावा वे पीतमपुरा गांव भी गए। अपनी इस गांव देहात बचाओ यात्रा में चौधरी सुरेंद्र सोलंकी गाँव के मुद्दों को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और उनको गाँव वालों का साथ भी मिल रहा है, उनको गाँव वालों का भरपूर साथ मिल रहा है। फ्रेंड्स, गांव वालों की जो जो डिमांड्स थी उसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड्स को मान लिया है, जैसे कि 105 शहरीकृत गांव में अब बिजली के मीटर लगेंगे, यानी कि अब उसके लिए डीडीए के एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार ने पीछे घोषणा की थी। इसके अलावा गांव में म्यूटेशन का काम भी शुरू हो गया है, तो ये कुछ मांगे सरकार ने मांग ली है, लेकिन बाकी की मांगों का क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या होगा, उनकी डिमांड्स को माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, या जो भी होगा वह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गांव वाले अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वह सारे रास्ते अपनाना चाहते हैं कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज कर सकें और अपने डिमांड्स को फुलफिल करवा सकें। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।